हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से सेवन्थ क्लास की हिंदी टीचर अंजू बिस्ट। तो बच्चों, आज हम आपके हिंदी फर्स्ट का चैप्टर टू पढ़ेंगे, हींग वाला। तो आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आपका चैप्टर नंबर टू है हींग वाला और पेज नंबर है 13। तो सबसे पहले आपको पाठ के बारे में क्या बताया गया है अपनी अपनी बुक में ध्यान से देखिए। इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना और आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। ये पंक्तियाँ हैं महात्मा गांधी जी की, ठीक है ना। अपनी बुक में देखिए, पाठ शुरू हो रहा है आपका। देखिए, अम्मा हींग लेगा कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधी पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर आकर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने साफे को के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन नहीं हुए, तुमसे ही तो हींग ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी का मतलब है पहली, जो हम क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, सरकाते यानी खिसकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत लो, देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, आप हमसे क्या करो, हींग ले लो और ये आपके घर में रखी रहेगी, कभी ना कभी काम आएगी। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। क्या कह रहा है यहाँ पर खान, कह रहा है कि आप मुझसे ये हींग खरीद लो, अब मैं क्या करूँगा, इस हींग सब हींग को बेचकर, अपने सामान को बेचकर मैं क्या चला जाऊँगा, अपने देश को चला जाऊँगा और वापस ना आना पता नहीं कब होगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब अब पेज नंबर 14 पे देखिए, खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी। तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। यहाँ पर क्या किया, सावित्री के छोटे बेटे ने क्या करा, हींग जो खान ने जो हींग बांधी थी पुड़िया में, उस पुड़िया को क्या करा उन्होंने, खान की तरफ फेंकते हुए कहा कि हमें आपकी ये हींग नहीं लेनी है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान। 35 पैसे अम्मा, कितने उत्तर दिया उसने खान ने, 35 पैसे की हींग हुई है, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लगाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात क्या ना लगी, अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की जरूरत तो थी ही नहीं। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा वही खान है। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं, अपनी माँ से पैसे मांग रहे हैं कि जिस तरह तुमने क्या है बिना ज़रूरत के हींग को ख़रीदा, उसी तरह अब तुम क्या करो, हमें भी पैसे दो, हम भी क्या करेंगे, उन पैसों से अपने लिए चीज़ खरीदेंगे।
सावित्री को इन बच्चों की बातें क्या आ रही थी, बच्चों की बातों को सुनकर सावित्री को क्या आ रही थी, हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अपने बच्चों की बात सुनकर क्या आ गया, सावित्री को हंसी आ गई। अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। तो यहाँ पर सावित्री ने क्या कहा अपने बच्चों से कि पहले तुम क्या कर लो, खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी पैसे दे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया, 1 रुपये में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना करती। दोनों ही भाई भाइयों में क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता अगर उनकी बहन क्या नहीं कहती कि हाँ ठीक है, मैं पैंतीस की जगह 30 पैसे ही लूँगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसी बीच होली आई, होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः यानी हमेशा आ ही जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसकी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था। वापस कौन आ गया था वहाँ, खान हींग लेकर आ गया था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिन में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है, तुमसे ली हुई हींग जो मैंने तुमसे खरीदी थी हींग, वो तो कब की खत्म हो गई है, तुम तो बहुत दिनों बाद आ रहे हो। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। खान ने क्या जवाब दिया कि मैं अपने देश गया था और परसों ही वापस लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ में नहीं आता लड़ने वालों में क्या बात है कि जिस बात से लोग आपस में लड़ते हैं। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ, ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से क्या लगता है, डर लगता है जो मुझे डर लगेगा। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगी यानी खुले पैसे दोनों में से किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वे वहाँ से क्या हो गया, चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरे का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में सभी हिंदू थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध यानी इंतजाम था कि फिर से कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने के लिए जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे, वो घर पर नहीं थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, भीरू यानी डरपोक थी, ठीक है ना। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन यानी लालच दिए, ठीक है, पर बच्चे ना माने, ठीक है ना। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत क्या था, उत्सुक हो रहा था। जो सावित्री का जो नौकर था, जो उनके घर पर काम करता था, वो भी जुलूस में जाने के लिए बहुत क्या हो रहा था, उत्साहित हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर वापस ले आऊँगा। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को तागित यानी हिदायत या चेतावनी दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर वापस लौट आना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, शाम हो गई, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे।
अब सावित्री को तो ना भीतर से चैन था और ना ही बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया है ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। क्या हो गया था वहाँ, फिर से काली के जुलूस में क्या हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। कहता हुआ वह तेज़ी से आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति ने उस सावित्री को बताया कि वहाँ पर क्या हो गया है, दंगा हो गया है, और यह बात कहते हुए आगे को वापस बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर क्या हो गए, ठंडे हो गए। दंगे की बात सुनकर सावित्री क्या हो गई थी, घबरा गई थी। इसी समय कुछ और लोग तेज़ी से आते हुए उसे दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका, उन लोगों ने कहा दंगा हो गया है। उन्होंने भी वही बात दोहराई कि वहाँ पर क्या हो गया है, फिर से दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे, उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुमने मेरे बच्चे को खबर ला दो, दो लड़के हैं और एक लड़की है। मेरे क्या हैं, तीन बच्चे वहाँ गए हैं, दो लड़के हैं और उनमें से एक लड़की है, तो मैं तुम्हें क्या करूँगी, मुँह मांगा इनाम दूँगी। अगर तुम वहाँ से उन्हें वापस सुरक्षित ले आते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगी, मुँह मांगा इनाम दूँगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानत हैं, यानी उसने क्या कहा, देहाती व्यक्ति ने कहा कि क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं जो हम तुम्हें वहाँ से बच्चों को वापस ला कर दे दें। और वहाँ से वो क्या हुआ, चला गया। फिर जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है, उन्होंने क्या कहा, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भी हमारी क्या है, जान प्यारी है। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजेंगे भी तो कैसे खोजेंगे, पर अब करे भी तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था कि मैंने बच्चों को क्यों भेजा, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। वो बार बार यही बात सोच रही थी कि बच्चे तो क्या हैं, बच्चे होते हैं, वो तो हर बात के लिए जिद करते हैं, तो मुझे तो वहाँ उनको भेजना ही नहीं चाहिए था, सारी गलती क्या है, मेरी है। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को क्या कर दिया, मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता यानी खामोशी, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ गया, पर बच्चे लौटकर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वहीं चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, स्वर यानी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई, उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं, सकुशल यानी कुशलता पूर्वक। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त यानी समय अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो इस पूरे पाठ में आपको क्या बताया गया है, सांप्रदायिक दंगों के बारे में बताया गया है, और यह कहा गया है कि हमें क्या है, आपसी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप इस चैप्टर की क्या करना, एक बार फिर से रीडिंग करना। थैंक यू।